नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने जानने का प्रयास किया था कि इंटरव्यू की तैयारी हम किस तरीके से करेंगे। एक बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज की क्लास जो है हमारी इंटरव्यू साक्षात्कार के ऊपर ही है, जिसमें हम उस क्लास से आगे की बात करेंगे। जब भी हम साक्षात्कार की बात करते हैं, हमारे पास जब हम साक्षात्कार के लिए जाने के लिए होते हैं तो हमें कुछ तैयारी करके रखनी होती है। हमें अपनी कुछ तैयारी सुनिश्चित करनी होती है, जिसके बेसिस पे हम जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो हमारा सिस्टमेटिक अरेंज जो है वो मैनर होता है इंटरव्यू के लिए। तो वो बेसिक तैयारी क्या होती है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस बेसिक तैयारी में कुछ एक टर्म्स होते हैं, जैसे अगर वन टू वन मॉक आपका होगा, क्योंकि अभी पता नहीं है कि आपका इंटरव्यू वन टू वन होने वाला है या फिर ऑनलाइन होने वाला है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपकी विजिबिलिटी इंटरव्यूअर के सामने होगी, यानी कि आप उनको दिखेंगे। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस, ये कोई आपको बताएगा नहीं और ये बहुत बड़ा एक तैयारी का पार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो आपका लुक है, जो इंटरव्यू जब आप कमरे में जाते हैं, एंट्री करते हैं, बाय द टाइम जो आपके एंट्री का तरीका होता है और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेस कोड है, यानी कि जो अटायर आप पहन करके जाते हैं, उसका जो इम्प्रेशन होता है इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं वो जान डाल देता है, यानी कि एक पॉजिटिविटी की तरफ वो आपको ले करके जाता है। तो ड्रेस कोड, एक तो आप क्या पहने, क्या धारण करें और किन चीज़ों से बचें, हम लोग इस पे बात करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आप फाइल लेकर के जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाली जो फाइल आपकी होती है, उस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उनका अरेंज्ड मैनर क्या होता है, इसका भी एक तरीका होता है। अब आप सोचेंगे कि हमसे तो जो मांगा जाए हम ले जाएं, नहीं, आपको देखिए मैं आपको बताती हूँ, इंटरव्यू जब कोई देने जाता है, अगर आप रिटर्न कहीं से क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस विषय के लिए या जिस कोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपको बखूबी है, क्योंकि आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू से मतलब ही यही होता है कि उसका एप्लीकेशन आप किस तरीके से हमें प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि एप्लीकेबल वे क्या होगा, बिहेवियरल रूप में आप उसको कैसे प्रयोग में लेंगे, इसको देखने के लिए साक्षात्कार जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब साक्षात्कार के अंदर बहुत बार, मेनी टाइम्स ये देखा गया है कि जो मार्क्स आते हैं पॉइंट्स में आते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कोई आपसे 0.1 अधिक था तभी तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली, कोई आपसे 0.2 अधिक था तभी तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली, और आप किसी एक पॉइंट पे 0.1 ही कम थे, मतलब फेल का मतलब फेल ही होता है, फेल की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। और अगर आप 0.1 की वजह से सिलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन ही होता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि आप किस तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इंटरव्यूअर को बहुत पसंद आ गई। आप फेल हुए तो भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इंटरव्यूअर को कम लगी। तो हमें हमारे साइड से अपनी ऐसी तैयारी करके रखनी है कि कहीं से हमारे लेवल पे कमी न रहे, हमारा जो एफर्ट हो वो 100% का हो, बाकी आगे इंटरव्यूअर किस तरीके से उसको परसीव करता है, उसका नज़रिया क्या होता है उसको देखने के लिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हम फाइल अपनी या इंटरव्यू के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, हम इसको इस शब्द को प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल किस तरीके से तैयार करेंगे। तो प्रॉपर मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ, आप चाहें तो आप इसको नोट करते हुए भी चलिएगा, इसको एक साइड में करते हैं अभी, ठीक है। चलिए यहां पे हम लिखते हैं, साक्षात्कार के लिए
डॉक्यूमेंट, फाइल बनाना। ठीक है, साक्षात्कार के लिए डॉक्यूमेंट फाइल हम किस तरीके से तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगा एक फोल्डर। हमें एक फोल्डर चाहिए होएगा। ठीक है, फोल्डर कैसे चाहिए होएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्कुल जैसे आप कॉपी किताब वगैरह यूज़ करते हैं, तो एक लंबा सा जो है A4 साइज़ से थोड़ा सा A3 साइज़ के लगभग जो है एक फोल्डर आता है, जो पर्टिकुलरली आपके डॉक्यूमेंट्स रखने के काम में आता है। आप मार्केट से वो परचेज कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा। हालांकि अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी अगर अरेंज हो जाए लेटर ऑन, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, सॉरी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा वो आपको मिले। उसको ले करके उसके अंदर जब आप उसको खोलेंगे तो ट्रांसपेरेंट जो है वो फ्लैप्स होते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अगर फोल्डर को नहीं भी देखा होगा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आप लोगों ने फोटो एल्बम देखा होगा। फोटो एल्बम मेरे ख्याल से हर किसी ने देखा होगा, छोटे से लेके बड़े तक सभी के घरों में। आजकल एल्बम्स का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पहले के जो आपके फोटोग्राफ्स हैं वो कहीं ना कहीं एल्बम में ही संरक्षित होंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। उनके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंट, वो प्लास्टिक के जो है वो ट्रांसपेरेंट उसके अंदर फोल्डर्स बने होते हैं जिसके अंदर आप फोटोग्राफ्स डालते हैं। ठीक उसी तरीके से जो है वो ट्रांसपेरेंट एरियाज बने होते हैं, उसके अंदर बहुत अलग अलग डिफरेंट 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 कई सारे जो है वो उसके अंदर ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स लगे होते हैं, जिसके अंदर आप एक एक के अंदर जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डाल देते हैं। और इंटरव्यूअर क्या करता है, एक एक डॉक्यूमेंट को जो है वो सीधे सीधे एक एक को पलटता जाता है, और उसको जो है वो पूरा का पूरा जो है वो रिव्यू उसको कर सकता है। तो अगर हम इसके सीक्वेंस को प्रॉपर रखेंगे तो उसको बहुत आसानी होगी उसको देखने के लिए। तो हमें चाहिए होगा क्या, एक फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे, तो हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी फोल्डर के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हम तीन भागों में बांटेंगे। फोल्डर्स के अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को हम तीन भागों में बांटेंगे। ये तीन भाग कौन से होंगे? सबसे पहला भाग होगा हमारा शैक्षणिक, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशनल। ठीक है, दूसरा भाग हमारे पास आएगा प्रोफेशनल, और तीसरा भाग आएगा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले हम, ये जो तीन हमारे भाग हैं, हम इन तीन भागों में क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज कर लेंगे उसके बाद हम उसको फाइलों में डालने की कोशिश करेंगे। अब हम एक एक को लेंगे कि एक एक जो हमारा भाग है, इस भाग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो हम वन बाय वन चलेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले हम आएंगे शैक्षणिक के अंदर, तो शैक्षणिक के अंदर हम लोग देखेंगे, शैक्षणिक के अंदर हमें जो अरेंज करने होंगे उनके अरेंजमेंट्स हमें स्टेप बाय स्टेप करने होंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली शैक्षणिक पॉइंट हमारे जो है वो चार ही होते हैं, मैं पांचवां भी डाल दे रही हूँ क्योंकि कई लोगों के जो है वो डबल पीजीज होते हैं, तो ये हम लोग मेंशन करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। अपन आते हैं शैक्षणिक पे। सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा 10th की मार्कशीट और
एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो है आपकी पहले मार्कशीट आती है और एक सर्टिफिकेट भी आता है, तो 10th की मार्कशीट को आप पहले रखेंगे, ठीक उसके जस्ट पीछे जो है आप सर्टिफिकेट को डालेंगे, देन 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब हम आएंगे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के अंदर आपने जो भी किया है, बीए, बीएससी, बीलिव, जो भी आपने किया है, इसको आपको बहुत ही अरेंज वे में रखना है। कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ, इसमें आते हैं अरेंज हमें कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर की मार्कशीट, और उसके बाद डिग्री, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली हुई है ग्रेजुएशन की, आप उसको डालेंगे। फोर्थ हम आते हैं चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है? आपका एमए है, एमएससी है, एमलिब है, ये सब क्या होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर की मार्कशीट एंड देन डिग्री। ठीक है, ये तो सीक्वेंसेस हो गए कि आपने 10th किया, 10th की मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट लगाएंगे, देन 12th, 12th की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट लगाएंगे। ग्रेजुएशन के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक जो भी आपने किया है, तो उसके तरीके से, जैसे बीटेक है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो 4 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, देन सेकेंड ईयर की मार्कशीट, फिर थर्ड ईयर की मार्कशीट, फिर फोर्थ ईयर की मार्कशीट, और जब मार्कशीट हमारे पूरे ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल के हमारे मार्कशीट्स आ जाएंगे, देन हम ग्रेजुएशन की डिग्री उसके बाद लगाएंगे। फिर हम आते हैं पीजी पे, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी विषय में किया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो है हम लोग मार्कशीट लगाएंगे, मार्कशीट के तुरंत बाद हम डिग्री लगाएंगे। अब कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि कई स्टूडेंट्स पीजी 2 सब्जेक्ट से होते हैं, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट से हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे 1 लगा दिया, देन वापस आप जो है यहाँ पे पीजी 2 यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 2, इसका भी सेम आप इस तरीके से जाएंगे, फॉर्मेट आप इसको लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा जो एक एकेडमिक एजुकेशनल जो सेक्शन है उसके अंदर जो है हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगी, ये जो हमने एजुकेशनल शब्द यूज किया है, दिस इज नॉट एजुकेशनल, इसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक। ठीक है, ये एकेडमिक होता है। चलिए दूसरा हम आते हैं प्रोफेशनल।
अब ये प्रोफेशनल हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, प्रोफेशनल पे हम आते हैं। हमने देखा कि हमारी शैक्षणिक जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, और अब हम आते हैं प्रोफेशनल पे। सेकंड जो हमारा है, प्रोफेशनल पे आते हैं। प्रोफेशनल के भी कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं। प्रोफेशनल के अंदर सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका, अगर आपने जैसे बीए किया, बीएससी किया या कुछ भी किया, तो उसी के अंदर अगर आप बीएड होते हैं, बीटीसी होते हैं, एसटीसी होते हैं, या कुछ इस तरीके के जो होते हैं, अगर आपके पास ये है तो आप सबसे पहले ये लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा, अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर किसी विषय में आपको डिप्लोमा मिला हुआ है, अगर आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लिया है, तो आप यहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेंगे। देन सेमिनार सर्टिफिकेट, अगर कहीं पे आपने जिस विषय के लिए, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कहीं कोई नेशनल, इंटरनेशनल, अगर आपने कोई सेमिनार अटेंड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। उसके बाद, सेमिनार के बाद आता है सेमिनार आपने जो अटेंड किया है, उस सेमिनार को आप लोग यहाँ पे लगाएंगे। देन उसके बाद किसी विषय में अगर आपने किसी पर्टिकुलर तथ्य पे कहीं पे भी किसी को पेपर प्रेजेंट किया है, पेपर प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट, अगर कहीं पे आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर या किसी पर्टिकुलर ग्रुप चर्चा के अंदर आपने कोई अपने रिव्यू दिए हैं, आपने कुछ अपने तथ्यों को रखा है जिनको माना गया है और जिनको कहीं ना कहीं किसी जगह पे अप्लाई किया गया है, चाहे लिखित रूप में, चाहे उसको प्रकाशित किया गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आप पीएचडी भी हो सकते हैं, आप एमबीए हो सकते हैं, आपके पास जो है वो एडिशनल जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास बहुत सारे होते हैं। जैसे आप डिप्लोमा कर सकते हैं मार्केटिंग में, एचआर के अंदर आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी से रिलेटेड आपने कुछ एक्स्ट्रा जो है वो किसी लाइब्रेरी के अंदर जाकर के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आपने सीखा, 6 महीने का पर्टिकुलर कोई सर्टिफिकेट कोर्स रहा या कुछ इस तरीके का रहा, तो हम लोग यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स। तो आप यहाँ पे इस सीक्वेंस में इसको जो है ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोफेशनल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम उनकी तैयारी कर लेंगे। अब तीसरा आते हैं, थर्ड हम आते हैं अन्य गतिविधियां, अन्य गतिविधियां, हमारी अन्य गतिविधियां हैं, हम उनके ऊपर आते हैं, उनको जो है अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अन्य गतिविधियों को भी हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम रखेंगे खेल कूद,
अब खेल कूद का जो है, आप स्टार्टिंग से लेके जब आप छोटे थे, मान लीजिए 8th में कोई सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, 10th में गए तो आपको बास्केटबॉल का मिला होगा, 11th में गए तो वॉलीबॉल आप खेले, खो खो खेले, कबड्डी खेले, ये वो जैसे जैसे आपको मिलते गए हैं ईयर्स के सीक्वेंस में, ठीक है, ईयर्स के सीक्वेंस में आप उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पहला हमारा क्या आया, खेल कूद, दूसरा एनसीसी, अगर आप एनसीसी के कैडेट रहे हुए हैं तो आप एनसीसी जब से आपने ज्वाइन किया, अगेन आप उसके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको यहाँ पे लाइन से अरेंज कर सकते हैं। देन स्काउट, गाइड, जब तक रहे हैं आप अरेंज करेंगे, और स्काउट गाइड के ही इसके फोल्डर में जब ये खत्म होगा तो अगर आप आगे तक जो है कंटिन्यू आपने अगर इसमें किया है तो आप इसी में रोवर्स और रेंजर्स जो भी आप रहे हुए हैं आप इसको अगेन जो है वो आगे लेकर के चलेंगे, तो इसका पूरा एक सीक्वेंस होगा। देन एनएसएस, अगर आपने ज्वाइन किया है तो जब से ज्वाइन किया है उसका पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लगाएंगे। तो ये जो है डॉक्यूमेंट का जो एक घर में फोल्डर आपको भले नहीं मिले, बट ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप सीक्वेंस वाइज रखना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको वहाँ पे देना होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में हम क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, हम वही डॉक्यूमेंट्स अपने फोल्डर में रखेंगे जो हम, हमारा जो फॉर्म आएगा इंटरव्यू के लिए, भरते समय जितनी चीज़ों को हम मेंशन करेंगे, ध्यान रखिए जितनी चीज़ें, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पूरे के पूरे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होंगे जो आपके लिए कचरे के तमाम होंगे, बिल्कुल यूज़ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप अपने फील्ड से अलग हट करके उसको आपने गेन किया है, तो आप जिस फील्ड के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर है तब तो हमारे काम का है, अगर नहीं है तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए यूज़ में नहीं होंगे तो हम उनको यूज़ में नहीं लेंगे, जिनको हम इंटरव्यू के अंदर मेंशन करेंगे। जिन भी डॉक्यूमेंट्स को हम अपना फॉर्म भरते समय जो जो मेंशन करेंगे कि मुझे ये मिला या मैंने ये गेन किया, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, हम इस तरह की पर्टिकुलर चीज़ों को जो जो हम वहाँ पे फिल कर रहे हैं उससे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको ही इन सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो आप इस बात का खासा ध्यान रखिएगा आप जो भर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे समिति को या किसी भी कमीशन को, वो इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पुट करेंगे, वो बाहर से कहीं से नहीं जाएंगे। अगर उनको आपके एजुकेशन, आपके प्रोफेशनल या आपके पर्सनल के ऊपर कोई क्वेश्चन पुट करना होगा तो वो आपके इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर से लेंगे, वो बाहर से नहीं जाएंगे। तो बच्चों आज मैंने कोशिश करी कि आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो एक अच्छे से फाइल जो है अभी से बनना चालू हो जाए, तो आप ये वीडियो देख करके उसको अरेंज करना चालू कर दीजिए। एक क्विक जो है वो रिवीजन में और आप लोगों का ले लेती हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है ये फाइल बनाएंगे। अपन तीन तरीके से जो है उसको बांट लेंगे, हमारा एकेडमिक, प्रोफेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, तीन पार्ट में उसको हमने डिवाइड कर दिया। एकेडमिक के अंदर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, यानी कि सेकेंडरी, देन हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पीजी, एंड अगेन आप सेकेंड पीजी करते हैं तो पीजी, यूजी, पीजी के अंदर भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले हमेशा मार्कशीट्स आएंगी और उसके बाद उसके सर्टिफिकेट्स आएंगे। देन दूसरा हम आते हैं प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल के अंदर आपने बीएड, बीटीसी कुछ इस तरीके का किया है तो वो कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, वो सेमिनार का सर्टिफिकेट, कहीं पेपर प्रेजेंट किया है आपने, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, किसी भी तरीके का विषय से रिलेटेड सर्टिफिकेट मिला है तो हम लोग वो मेंशन करेंगे। हमारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ रही हुई हैं हमारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सेशंस के दौरान, तो हम वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको भी एक सीक्वेंस में रखेंगे। खेलकूद का हम पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, देन एनसीसी का पूरा हम लोग रखेंगे, स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर्स का रखेंगे और एनएसएस के डॉक्यूमेंट्स को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स की बातें मैंने की, इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग प्रॉपर करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे जो है मैं आपको इंटरव्यू के और भी टिप्स जो है वो आगे तक देती चलूंगी। अब एक काम आपको करना है, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यू है मैं सोच रही हूँ कुछ मॉक इंटरव्यूज आपके कंडक्ट कराऊं, बट वो इस तरीके से यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए लाइव सेशंस की आवश्यकता होंगी, लाइव क्लासेस अरेंज करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आप मुझे जो है वो बताएंगे, मेरे नंबर पे आप
व्हाट्सएप कीजिए 9460345178। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप कीजिए मुझे जिनको भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जिनका भी रिटन क्लियर हो चुका है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को किसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जोड़ने के लिए। देन वन बाय वन हम लोग, क्योंकि मॉक इंटरव्यू एक साथ नहीं हो सकता है, एक बार में अगर मैं 4-5 घंटे की बात करूँ तो 2 से 3 इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज में 15-15 मिनट के मॉक आपके नहीं लिए जा सकते, समय लगेगा। आपके मॉक लें, आपकी गलतियां बताएं, उनमें क्या क्या सुधार है ये बताएं। तो ये बताने के लिए हमें समय चाहिए, तो इसके लिए जो है हम वन बाय